दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम को बेहतरीन टीम मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भारत और श्रीलंका के बीच श्रृंखला शुरू हो चुकी है। इस श्रृंखला के लिए भारतीय खिलाड़ी और फैंस काफी ज्यादा उत्सुक हैं। दोस्तों, इस मैच की पहली गेंद डालते ही भारत ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसे देखकर सब हैरान हो गए। तो चलिए बताते हैं आपको इस रिकॉर्ड के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, भारत और श्रीलंका के बीच इस सीरीज में कौन सी टीम जीतेगी, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम मौजूदा समय में दो अलग अलग जगह इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही है। सीनियर खिलाड़ियों के एक साथ एक टीम जहां इंग्लैंड में मौजूद है, तो वहीं दूसरी ओर युवाओं वाली भारतीय टीम श्रीलंका से मिलने के लिए पूरी तरह से अपनी कमर कस चुकी है। बता दें, भारत और श्रीलंका के बीच पहला वनडे मुकाबला आज दोपहर 3 बजे से कोलंबो के मैदान पर खेला जाएगा। मैच का सीधा प्रसारण सोनी चैनल पर किया जाएगा। दोस्तों, बता दें, आज 18 जुलाई के दिन भारत और श्रीलंका के बीच पहला ODI मैच शुरू हो चुका है और इस मैच में श्रीलंकाई टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला ले लिया। बता दें, गेंदबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने जब पहली गेंद डाली तो उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसे देखकर सब हैरान हो गए। दोस्तों, बता दें, इस रिकॉर्ड के बारे में 1994 के बाद भारतीय टीम ऐसी पहली टीम बनी है जो एक ही साथ दो अलग अलग देशों में खेल रही है। ऐसा पहली बार ऑस्ट्रेलिया टीम ने करा था और अब 2021 में भारतीय टीम कर रही है। दोस्तों, बता दें, जैसा कि अनुभवी खिलाड़ियों से भरी टीम इंग्लैंड में मौजूद है टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, वहीं दूसरी ओर श्रीलंका में युवाओं से सजी टीम लिमिटेड ओवर्स की सीरीज खेल रही है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत देश में क्रिकेट को लेकर कितना जुनून है। इस देश में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद है। हर खिलाड़ी क्रिकेट के हर स्तर पर शानदार प्रदर्शन करता नजर आता है, चाहे IPL हो या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट। हर टीम में एक से बढ़कर एक धुआंधार खिलाड़ी है, इसलिए ये कहा जाता है कि भारतीय टीम की बेंच स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा मजबूत है। इस वजह से सिलेक्टर्स इस असमंजस में रहते थे कि किस खिलाड़ी को भारतीय टीम में जगह दी जाए और किसे नहीं। लेकिन अब सिलेक्टर्स की कई दिक्कत दूर हो गई है, क्योंकि भारतीय टीम एक ही समय पर दो अलग अलग देशों में सीरीज खेल सकती है। क्योंकि भारतीय टीम में कई जबरदस्त खिलाड़ी मौजूद हैं और इस वजह से काफी सारे युवा खिलाड़ियों को भारतीय ओर से खेलने का मौका भी मिलेगा। दोस्तों, बता दें, 1994 में ऑस्ट्रेलिया टीम ऐसी पहली टीम थी जो कि एक ही बार दो अलग अलग टीमें खेल रही थी, लेकिन ये करने में काफी ज्यादा नाकामयाब रहे थे। तो अब देखना ये रहेगा कि भारत की टीम ये करने में कामयाब रहती है या नहीं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत की एक अनुभवी टीम इंग्लैंड में खेल रही है और युवा टीम श्रीलंका में खेल रही है। तो आप सभी को क्या लगता है, क्या भारत की युवा टीम सीरीज में शानदार प्रदर्शन, सीरीज जीतकर BCCI की इस उम्मीदों पर खरा उतरेगी या नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।